जय जय प्यारा जग से न्यारा शोभित सारा देश हमारा जगत मुकुट जगदीश दुलारा जग सौभाग्य सुदेश जय जय प्यारा भारत देश। श्रीधर पाठक की इन पंक्तियों के साथ मैं ब्यूटी उपस्थित हूँ हम भारत की लोग विषय पर अपनी बात रखने के लिए। एशिया और दुनिया भर में भारत केवल उभर रहा नहीं है, भारत का उदय हो चुका है और यह मेरा दृढ़ विश्वास है। यह शब्द अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के हैं। दोस्तों, हम भारत के लोग हैं और भारत के लोगों को समझने से पहले भारत को समझना होगा। साथियों, भारत मानव जाति का पालना, इतिहास और परंपरा की जननी रही है। मनुष्य के इतिहास में सबसे मूल्यवान और सबसे शिक्षाप्रद सामग्री केवल भारत के ही पास है। खालिद मसूद कहते हैं, विश्व केवल शरीर मात्र है और भारत इसकी आत्मा है। भारत में हर चीज का उपयोग है और एक नैतिक मूल्य है, इसलिए भारत महान है, यहाँ के लोग महान हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि कौन है भारत के लोग। भारत के लोग वो हैं जो इतिहास को वर्तमान से जोड़ने का काम करते हैं। भारत के लोग वो हैं जो सत्य, अहिंसा, असंग्रह जैसे सनातन मूल्यों में विश्वास रखते हैं। भारत के लोग वो हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए न्याय की बात करते हैं। भारत के लोग वो हैं जो स्वतंत्रता की बात करते हैं, जो समता की बात करते हैं, जो राष्ट्र की गरिमा, एकता और अखंडता जैसे मूल्यों की पैरवी करते हैं, जो बंधुता और मानवता में सिर्फ विश्वास ही नहीं रखते बल्कि उसे दिल की गहराई से स्वीकार करते हैं। यह भारत के लोग ही हैं जो अपनी प्रार्थना में, अपनी उपासना में, अपनी जीवन पद्धति में, अपने शाश्वत विचारों में मनुष्य की भलाई, यहां तक कि विश्व की भलाई का सपना देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, 26 नवंबर 1950 को जब इस देश में संविधान लागू हुआ तब संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इसे स्वीकार करते हैं। आज आजादी के 70 साल बाद भी भारत के लोग सर्वोच्च संप्रभु हैं। भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है, अर्थात अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। भारत के लोग समाजवाद अर्थात ऐसी संरचना में विश्वास रखने वाले लोग हैं जिसमें साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य रहता है। हम भारत के लोग तोड़ने में नहीं जोड़ने में विश्वास रखते हैं। हम भारत के लोग युद्ध में नहीं बुद्ध में विश्वास रखते हैं। हम भारत के लोग हिंसा में नहीं बल्कि अहिंसा में विश्वास रखते हैं। हम भारत के लोग घृणा में नहीं बल्कि प्रेम में विश्वास रखते हैं। अंत में मैं बाबा साहब अंबेडकर की इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे कि मैं चाहता हूं सभी लोग पहले भारतीय हों, उसके बाद भी भारतीय हों और आखिरी में भी भारतीय ही हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।